हबीबगंज में फिर बढ़की हिंसा, तीसरे दिन भी माहौल खराब करने की हुई कोशिश। हत्यारोपी शकील के घर से मिली पिस्टल, एसपी पर गिर सकती है गाज। कासगंज में चंदन गुप्ता की मौत के बाद कन्नौज में निकाली गई तिरंगा यात्रा, ठेले पर रखी गई थी चंदन की तस्वीर, तिरंगा यात्रा निकालने की नहीं थी अनुमति। आजमगढ़ में प्रधानाध्यापक और उसके बेटे ने महिला शिक्षा मित्र की पिटाई की, तमंचा लहराकर जान से मारने की धमकी दी, प्रधानाध्यापक निलंबित। नए सत्र में भी बिना जूते, यूनिफॉर्म और किताबों के रह सकते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, 2 महीने बाद भी प्रस्ताव को सरकार से मंजूरी नहीं। आगरा में बिना हेलमेट सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में एंट्री पर लगा बैन, आगरा में सफल प्रयोग के बाद पूरे प्रदेश में लागू की जा सकती है योजना। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 2 पुलिसकर्मियों समेत 7 की मौत, लड़की के अपहरण के केस में दंबिश देकर वापस लौट रही थी पुलिस टीम। संसद में आज से शुरू होगा बजट सत्र, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे दोनों सदनों को संबोधित, 1 फरवरी को पेश किया जाएगा आम बजट। टेनिस कोर्ट के महामानव बने स्विस खिलाड़ी रोजर फेडरर, 6ठी बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब। आईपीएल 11 की दूसरे दिन की बोली में सबसे महंगे बिके भारतीय खिलाड़ी जयदेव उनादकट, राजस्थान रॉयल्स ने 11.5 करोड़ रुपए में खरीदा, पहली बार नेपाली क्रिकेटर भी बनेगा आईपीएल का हिस्सा। और फिल्म पद्मावत की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं दीपिका पादुकोण, मुंबई के एक रेस्तरां में पहुंचकर खाया राजस्थानी खाना, फैंस को हाथ जोड़कर कहा शुक्रिया, सेल्फी भी ली।